मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत दिए जाने वाले सामानों की गुणवत्ता में खराबी पाई गई, जिसकी शिकायत मिलने पर कमल पटेल ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत हर जिलों में सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। इसी के तहत छिंदवाड़ा में भी सामूहिक विवाह रखा गया था, जिसमें कई जोड़ों की शादी कराई गई। जब इस विवाह योजना को लेकर सामने शिकायत आई, जिसमें कन्याओं को दिए जेवरों की क्वालिटी में खराबी पाई गई है, जिसकी शिकायत शासन प्रशासन से की गई। अब इस मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मुझे मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया था कि कन्या विवाह एवं निकाह योजना में जो सामग्री कन्याओं को दी गई है उसमें खराबी है, और ये सब खराब सामग्री अधिकारियों की मिलीभगत से दी जा रही है, जिस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इन्होंने जब उसका निरीक्षण किया, जो सामग्री आई, उस सामग्री में हर उसमें गड़बड़ियां पाई गई, और इसलिए इन्होंने कहा कि अगर ये वितरित होगी तो बदनामी किसकी होती है, माल खाते ठेकेदार और अधिकारी। और इसलिए मैंने अधिकारियों को बुलाया, उनसे पूछा, तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ कुछ चीज़ों में घटिया चीज़ें आई है, जो कमरे का वितरण नहीं करेंगे तो हमने उसको रोक लगा दी, हम घर पहुंचा देंगे बेटियों के घर पर, लेकिन क्वालिटी की चीज़ होगी, जो गुणवत्ता उसमें मापदंड है उस मापदंड के अनुसार ही होगा, और इसलिए ठेकेदार को कोई पेमेंट नहीं होगा, उसको ब्लैकलिस्टेड करेंगे, और उसके फिर जाँच करके अगर दोषी भी अगर इसमें अधिकारी कर्मचारी होगा तो उसके खिलाफ भी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।